तो दोस्तों यहाँ पर लावा ब्रांड अपने स्मार्टफोन सेक्शन के साथ अब स्मार्ट वेरेबल सेक्शन में भी एंट्री मार चुका है और एक प्रीमियम स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है, वो भी बजट में। लेकिन ये कितनी प्रीमियम है वो तो हम लोग डिसाइड करेंगे अपनी हैवी टेस्टिंग करने के बाद। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना कार्यक्रम और साथ में इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, गोरिल्ला ग्लास गोरिल्ला नहीं होता है दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास। और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर 3000 लक्स का टारगेट तो बनता ही बनता है। ये क्या है? तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों की, यहाँ पर लावा ब्रांड एंट्री मार चुका है स्मार्ट वेरेबल सेक्शन में भी और लॉन्च कर दिया लावा प्रो वॉच ZN स्मार्ट वॉच, जिसका प्राइसिंग है 3000 रुपीज के आसपास। प्राइस पॉइंट मैंने बेस्ट पॉसिबल वैसे लिंक्स दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ब्रांड की तरफ से ऐसा बॉक्स आया हुआ है, यहाँ पे गोरिल्ला बना हुआ है, टफ है प्रो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको ऐसा बॉक्स नहीं मिलने वाला है, जो बॉक्स के अंदर बॉक्स है ऐसा यहाँ पे आपको पैकेजिंग मिल जाएगी जब आप प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। इसमें आपको 1.43 इंच का एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाला है, साथ ही में क्राउन की फंक्शनलिटी मिल जाएगी, फीचर्स भी काफी आपको बढ़िया बढ़िया मिलने वाले हैं। लेकिन इसका आउटपुट कैसा है, सेंसर्स कितने बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सारी टेस्टिंग के साथ, ताकि अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डेफिनेटली डिसाइड कर लेंगे कि ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बड़े से बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर हमको ऐसा बॉक्स मिला हुआ है ब्रांड की तरफ से, टफ है प्रो मेंशन किया गया है, एंड साथ ही में बॉक्स के अंदर देख सकते हैं आपको ऐसी पैकेजिंग मिल जाएगी। एंड मेन बॉक्स की बात करेंगे तो ऐसा आपको बॉक्स मिलने वाला है प्रो वॉच बाय लावा ZN का, बिल्कुल आपको बढ़िया सा प्रीमियम सा बॉक्स मिल जाएगा, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। एंड बैक साइड में देखेंगे तो काफी फीचर्स मेंशन किए गए हैं, सब आगे डिटेलिंग में चेक करेंगे। इसको हम करेंगे क्विकली अनबॉक्स। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल मिलने वाली है, मतलब यहाँ पर आपको एक सिंपली QR कोड दिया गया है, इसको आप स्कैन करके यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है यूजर मैनुअल आर फॉर किड्स द प्रोस स्कैन QR कोड, काफी सही कोटेशन दे दिया यहाँ पर इन्होंने। और साथ ही में ब्रांड की तरफ से हमें आपको मल्टीपल स्टिकर से मिलने वाले हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट, इनको अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड यहाँ पर आपको एक एडिकेट लेंथ की चार्जिंग केबल मिल जाएगी टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग। इसका फिजिकल ओवरव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 22mm के सिलिकॉन स्ट्रैप वाला वेरिएंट हमें आया हुआ है, ऐसे हमें आपको क्वालिटी सही मिल जाएगी। स्ट्रैप की क्वालिटी को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, फ्लेक्सिबल तरीके से इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, साथ में इसको आप डिटैच भी कर सकते हैं, प्रॉपर हिंजेस मिल जाएंगे। और वॉच के बैक साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट, सेंसर्स, बिल्ट इन आपको स्पीकर मिलेगा, माइक्रोफोन मिलेगा, इसका कॉलिंग टेस्ट हम आगे करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। और पूरी आप बोल सकते हैं आपको जिंक अलॉय की मेटलिक बॉडी मिलने वाली है। एंड साइड में आपको यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं क्राउन की फंक्शनलिटी के साथ। फ्रंट में आपको 1.43 इंचेस का एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। इंडोर कंडीशन की जो ब्राइटनेस है परफेक्ट आपको मिलने वाली है, व्यूइंग एंगल्स को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और इसमें जो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, अगर हम यूजर इंटरफेस की स्मूथनेस की बात करेंगे तो UI मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं बोल सकते, जो 60 हर्ट्ज रहता है कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत लगा बेटरमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन आप ऐसे UI को यूज करेंगे ऐसे यूज करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही में साइड में 2 बटन्स दिए गए, जो ऊपर वाला बटन ये क्राउन का बटन है, इसको ऐसे रोटेट करके मल्टीपल वॉच फेसेस जो है स्विच कर सकते हैं जो आपको पसंद आए, या फिर जो मेन्यू को आप स्क्रॉल कर सकते हैं क्राउन को यूज करके, ये सही तरीके से वर्क करता है। और नीचे जो बटन दिया गया उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो मल्टीपल आपको स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं, कुछ आपको बिल्ट इन स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाएंगे स्मार्ट वॉच में, बाकी आपको 110+ स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले जिससे आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू। और यहां पर अगर हम सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे, यहां पर मैंने हाथों में टाइटली स्मार्ट वॉच को पहन के अप्रॉक्सीमेटली मैं यहां पे 43-44 स्टेप्स के आसपास चल के आया था, लेकिन स्मार्ट वॉच में दिखा रहा था 41 स्टेप्स के आसपास, लेकिन सेंसर्स की एक्यूरेसी मुझे यहां पे काफी क्लोज लगी। मैंने काफी टाइम इसको मल्टीपल टाइम्स यूज भी करके देखा, सेंसर्स काफी सही तरीके से यूज किए गए हैं, अगर आप हाथों में टाइटली स्मार्ट वॉच को पहनेंगे एक्यूरेसी काफी आपको सही मिलने वाली इसके थ्रू। साथ ही में ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे, यहां से स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको मल्टीपल शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर सकते हैं, सेटिंग्स यहां पे आपको टैप टैप करके ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और आउटर कंडीशन की ब्राइटनेस भी बिल्कुल आपको परफेक्ट मिलने वाली, जो एमोलेड डिस्प्ले है परफेक्ट तरीके से सनलाइट में वर्क करता है, आपको सनलाइट में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी स्मार्ट वॉच को। साथ में जो रेस ट्यूब एक फीचर है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, इसका रेस ट्यूब एक फीचर भी परफेक्ट तरीके से वर्क करता है, प्रॉम्प्ट आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, जब भी आप स्मार्ट वॉच को ऊपर करेंगे इंस्टेंटली डिस्प्ले मिल जाएगा। और जो रेस ट्यूब एक फीचर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी काम करता है, डो नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन, कॉलिंग की फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, सेटिंग्स में आपको मल्टीपल सेटिंग्स मिलने वाली, यहाँ पर आपको वॉच फेसेस का ऑप्शन, यहाँ पर आपको 2 मेन्यू स्टाइल मिल जाएंगे, लिस्ट स्टाइल मिलने वाला है और 9 ग्रिड्स का स्टाइल मिल जाएगा, जो आपको पसंद आए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर पाएंगे, स्क्रीन टाइम में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम 5 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम, मैक्सिमम 30 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम दिया गया है, सेट कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा, इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, इसका आपको डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐसा आपको लुक एंड फील मिल जाएगा डिजिटल क्लॉक का, और यहाँ पर आपको एनालॉग क्लॉक का ऐसा लुक एंड फील मिल जाएगा, अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का टाइमिंग सेट कर सकते हैं, वाइब्रेशन अलर्ट्स को आप सेट कर सकते हैं, बैटरी सेविंग का ऑप्शन, QR कोड दिया गया, एप्लीकेशन का हम आगे डिस्कस करेंगे, स्मार्ट वॉच के बारे में इन्फॉर्मेशन, रिंगटोन सेटिंग, रीस्टार्ट, रीसेट, शटडाउन, ये सब आपको चीजें मिलने वाली इसकी सेटिंग्स पार्ट में। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है नोटिफिकेशन पार्ट को लेकर, यहाँ पर आपको ऐसा डिस्प्ले मिल जाएगा, आप पूरा मैसेज रीड कर सकते हैं, लेकिन ये इमोजीज डिटेक्ट नहीं करता, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
और स्क्रीन से स्वाइप राइट करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलेगा एक्टिविटी डेटा को लेके। आप चेकआउट कर सकते हैं कितने स्टेप्स चल रहे हैं, कितनी कैलोरीज बर्न की हुई है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, यहाँ पे आपको वेदर फोरकास्ट दिखा देगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नेक्स्ट फ्यू डेज का वेदर फोरकास्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आपका म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्टली स्मार्टवॉच के थ्रू ही प्ले पॉज कर सकते हैं ट्रैक्स को, ट्रैक्स आप चेंज कर सकते हैं स्मार्टफोन के, यहाँ पे स्पीकर की लाउडनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और जो बिल्ट इन स्पीकर दिया गया है यहाँ से इसके थ्रू आप म्यूजिक प्ले नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको सिंपली म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही आपको वॉइस सेशन का फीचर भी मिल जाएगा, आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद टैप करेंगे स्मार्ट वॉच में, फोन का वॉइस सेशन फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप कमांड से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये सब आपको चीजें मिलने वाली है यहाँ पे। और स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो जितनी भी आपके एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच की यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी डेटा का ऑप्शन, वर्कआउट, वर्कआउट रिकॉर्ड, वॉइस असिस्टेंट फीचर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, और इसके सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो सेंसर्स काफी आपको एक्यूरेट दिए गए हैं इसमें। हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर काफी आपको क्लोज रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट किट में और स्मार्ट वॉच में, दोनों में ही सेम आपको क्लोज रीडिंग मिलने वाली यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट को लेके। साथ में स्ट्रेस मॉनिटरिंग आप चेकआउट कर सकते हैं, आपका स्ट्रेस मीडियम है, लो है, हाई है, कैसा आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो इसमें आपको ना हाई एक्यूरेसी पीपीजी सेंसर्स यूज किए गए जो कि काफी सही तरीके से वर्क करते हैं, सेंसर्स में आपको काफी एक्यूरेसी मिल जाएगी इसके थ्रू। साथ में म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन, फोन कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डायल पैड, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉल रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप कॉलिंग कर सकते हैं, किसी का कॉल आएगा तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, और क्विक रिप्लाईज का ऑप्शन भी दिया गया, क्विक रिप्लाई भी कर पाएंगे। लगे आते ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट भी देख लीजिए आप इसके थ्रू। हेलो पूजा, कैसी है, क्या कर रही है? बस ठीक हूँ, बैठे हैं, आप बताओ। सब बढ़िया, दोनों का टाइम मिलेगा, एक कॉल करना है। हाँ हाँ बोलो। ओके, यहाँ पर अभी ना लावा ब्रांड ने अपनी स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, प्रो प्रो वॉच ZN करके, तो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भी है उसमें। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही सोसाइटी के अंदर ऐसे पार्क साइड कंडीशन में घूम फिर के जैसे बातचीत कर रहा हूँ स्मार्ट वॉच के थ्रू, तो मेरी आवाज तेरे को कैसे आ रही है? आपकी आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही? मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत हलचल हो रही साइड में हवा को लेके या कुछ बैकग्राउंड एक्टिविटीज को लेके? नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है आप किसी क्लोज रूम में बात कर रहे हो। अच्छा ऐसा, तो मतलब बड़ी तरीके से बातचीत कर रही है ना हमारी? सॉरी, मतलब अच्छी तरीके से बातचीत चल रही है ना हमारी? अरे एकदम क्लियर है। चलो ठीक है पूजा, थैंक यू। और कॉलिंग के टाइम पे आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, स्पीकर की लाउडनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और स्विच कर सकते हैं आपको फोन से बात करनी है कि स्मार्ट वॉच से बात करनी है, और कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको हाई परफॉर्मेंस रियलटेक चिपसेट का यूज किया गया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाएगा सिंगल चिपसेट के साथ। तो कॉलिंग पार्ट को लेकर काफी आपको यहाँ पे इंप्रेसिव मिलने वाली, कॉलिंग पार्ट मेनली आप यहाँ पे इंटर आउटर कंडीशन नॉर्मल कंडीशंस में है, स्पीकर की लाउडनेस भी आपको बढ़िया मिल जाएगी, सामने वाला आपको फोकस ही सुन पाएगा। ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी पर्टिकुलरली। साथ ही में अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, टाइमर का ऑप्शन, स्ट्रेस मॉनिटरिंग सेंसर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेदर इन्फॉर्मेशन, फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मैसेजेस का ऑप्शन, फाइंड माय फोन का ऑप्शन, कैमरा कंट्रोल। साथ ही में बिल्ट इन यहाँ पे आपको 4 गेम्स मिलने वाले हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है, मल्टीपल आपको गेम्स मिल जाएंगे टाइम पास करने के लिए, आप गेम्स को भी यूटिलाइज कर पाएंगे, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। बिल्ट इन आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो ये सब आपको भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं, फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी इसमें आपको IP68 वाटर प्रूफ फीचर भी दिया गया, आप स्विमिंग के टाइम भी यूज करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, स्वेट आता है, पानी के स्प्लैशेस लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली स्मार्ट वॉच को। और एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रो स्पॉट एप्लीकेशन का सपोर्ट दिया गया, कनेक्शन स्टैब्लिश करके आप बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर पाएंगे स्मार्ट वॉच की, जितनी भी आपने एक्टिविटीज की हुई स्टेप काउंटिंग को लेके, सेंसर्स पार्ट को लेके, यहाँ से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, ट्रैकआउट कर सकते हैं उसको भी। मल्टीपल यहाँ पे आपको 150 प्लस आप बोल सकते हैं क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाएंगे, जो आपको यहाँ पे क्लाउड बेस्ड वॉच फेस पसंद आ रहा है इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे आप। साथ ही में आप जो एक्टिविटीज हैं यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, डेली गोल्स, सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल और भी सेटिंग्स मिल जाएंगी, नोटिफिकेशंस पार्ट को लेके यहाँ पे आपको कौन कौन से नोटिफिकेशंस चाहिए एप्लीकेशन के ऑन और ऑफ कर सकते हैं, अलार्म सेट कर पाएंगे, कैमरा शटर का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि एप्लीकेशन के साथ वर्क करता है, सिंपली जहाँ पे शटर दिया गया है स्मार्ट वॉच में उसको आप टैप करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू पिक्चर ले ली जाएगी। फेवरेट कॉन्टेक्ट्स में आपको 10 डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। स्पोर्ट्स मोड्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं यहाँ से आप इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं जो आपको एक्टिविटीज करनी है यहाँ से। अदर्स में आप जाएंगे तो और भी सेटिंग्स मिलने वाली है, फाइंड माय डिवाइस, टाइम फॉर्मेट, डू नॉट डिस्टर्ब, कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को ऑन ऑफ कर पाएंगे, ऑटो लॉक का ऑप्शन, रेस टू वेक फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कॉल रिजेक्शन, एसएमएस सेटिंग्स में आप जो क्विक रिप्लाइज के ऑप्शन इसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, साथ में वेदर इन्फॉर्मेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मल्टीपल यहाँ आपको सेटिंग्स मिलने वाली है, एप्लीकेशन यूजफुल है, इसको आप कस्टमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच की। बाकी इसके बैटरी लाइफ की बात करेंगे वो भी आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है, यहाँ पर मेनली इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप ऑन रखेंगे तो आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं हैवी यूसेज पे 2 से 2.5
सेकंड के आसपास यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ निकाल देगी स्मार्ट वॉच। नॉर्मल तरीके से एडिकेट तरीके से यूसेज करेंगे एवरेज तरीके से 7 से 8 दिन के आसपास भी बैटरी लाइफ मिलने वाली है, ये एक प्लस पॉइंट है। और साथ में इसको फुल चार्ज करने में अप्रॉक्सिमेटली आपको 1 घंटा लगेगा, तो बैटरी लाइफ को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है। देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो लुक एंड फील है, जो बिल्ड है, जो डिस्प्ले है और जो फीचर्स दिए गए वो आपको काफी सही मिलने वाले हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भी सही तरीके से वर्क करता है, सेंसर्स में भी काफी आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे जो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है बहुत परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं करता है, हल्की सी वहाँ बेटरमेंट होनी चाहिए थी, बस ये मुझे इस पर ड्रॉबैक लगा हल्का सा। बाकी मैंने आपको सारी की सारी टेस्टिंग दिखा दी प्रोज एंड कॉन्स के साथ, अब आप पे डिसीजन मैटर करता है इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं। बेस्ट पॉसिबल लिंक्स भी है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज कंप्लीट टेस्टिंग एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च लावा प्रो वॉच ZN स्मार्ट वॉच। Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.